जब 2 मिनट 55 सेकंड का ट्रेलर देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि आपने एक पूरी फिल्म जी ली है, तो मान लीजिए कि इम्तियाज अली की आने वाली फिल्म तमाशा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। यस, द ट्रेलर हैज बीन रिलीज्ड। रणबीर कपूर दीपिका पादुकोण की आने वाली फिल्म तमाशा। तकरीबन 3 मिनट के इस ट्रेलर में आपको जिंदगी के कई रंग दिखाई देते हैं। शुरुआत होती है एक बोरिंग सी जिंदगी से, जिसमें अचानक से भर जाते हैं रंग जब मिल जाते हैं 2 जवान, और इनकी जवानी दीवानी हो जाती है उस ट्रिप पर। लेकिन ट्रिप से लौटने के बाद कहानी फिर उसी डायरेक्शन में चली जाती है जहाँ से शुरू हुई थी। पर दिलों की जवानी मानती कहाँ है, वो तो चाहती है उस एहसास को बार बार जीना जो उस ट्रिप पर मिला था। यस, रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण एक दूसरे से एक ट्रिप पर मिलते हैं, सारी बातें झूठ करते हैं, एक अलग दुनिया बनाते हैं और फिर जुदा हो जाते हैं। लेकिन ये जुदाई बर्दाश्त नहीं होती और दीपिका पादुकोण को हो जाता है रणबीर से प्यार। लेकिन क्या रणबीर को प्यार है? क्या वाकई वो सिर्फ एक किरदार निभा रहे थे? क्या वाकई उनके दिल में कुछ फीलिंग्स हैं दीपिका के लिए? ये कहानी है फिल्म तमाशा की, एक बहुत ही बड़ा तमाशा। अ वेरी बिग, a very extravagant show is about to happen in the theaters near you. जब रिलीज होगी फिल्म तमाशा, इस ट्रेलर को मिलते हैं 100 में से 90 मार्क। 10 मार्क्स सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये जवानी है दीवानी का रीमेक सा नजर आ रही है। आई एम श्योर कि इम्तियाज अली डायरेक्टर हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बट अगर ऐसा कुछ हुआ तो थोड़ा दिल तो दुखेगा। सो वी वुड एक्सपेक्ट समथिंग वेरी गुड फ्रॉम इम्तियाज अली, रणबीर कपूर एंड दीपिका पादुकोण।